वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साखी तीर्थ यात्रा। धन धन गुरु अमरदास जी पहला गंगा जांदे रहे सन, पर उस वेले अंदर भटकना सी। गुरु मिलाप होण पिछों इस कर्म दी व्यर्थता जान गए ते हुण अपने तजर्बे लई सांझ कराउण लई ही तीर्थां ते गए। छंद दे आरंभ विच ही गुरु रामदास जी ने लिख दिता कि जिस मनुख नू गुरु सतगुर दा दर्शन हो गया उसका मानो तीर्थ इशनान हो गया, यही उसका पुरब अबीच है। वैरी नस गए, खोटी मत दी मैल कट्टी गई, आत्मक हनेरा दूर हो गया। 1558 ईस्वी विच गुरु अमरदास जी ने सिखी दे प्रचार लई हिंदू तीर्थां दी यात्रा शुरू कीती सी। उस यात्रा दा वर्णन गुरु रामदास जी राग तुखारी विच करदे हन। गुरु जी सब तों पहला कुरुक्षेत्र गए, जिथे आपने इकट्ठे होए हजारां लोकां नूं गुरमत दा उपदेश दिता, जिन्हां विच जोगी ते सन्यासी भी सन। उस पिछों उन्होंने जमुना दरिया उपर इकट्ठे होए लोगों नू गुरु नानक दे मिशन तो जाणू करवाया। जमुना दरिया का पुल पार करन समय दरिया का पुल लंघन वालियां पासों मसूल इकट्ठा करन वाले उन्हां पास अपनियां भेटावां लैके हाजर होए। गुरु जी दे नाल पुल लंघन वाली संगत पासों उन्हां उक्का ही मसूल ना लिया। गंगा दरिया उपर इशनान करन वालियां नू सच्चा मार्ग दर्शा के आप कनखल पिंड आ गए। उस पिंड दे मुखी विद्वान ते धार्मिक आगू इकट्ठे होके उन्हां पास आए। गुरु जी ने उन्हां नू दस्या मनुख दे वड्डे वैरी काम क्रोध लोभ मोह ते अहंकार हन, जिन्हां उपर सिर्फ गुरु की सिख्या नाल ही काबू पाया जा सकता है। 8 दिन प्रचार करके आप गोइंदवाल वापस पुज गए। गुरु जी ने गोइंदवाल पुज के देखिया कि प्रचार दे सदके सिख संगतां की आवाजाई बहुत वध गई सी। पिंड विच एक सांझा खूह सी। गुरु जी ने पानी दी वध रही लोड़ पूरी करन लई 1559 ईस्वी विच एक बौली बनवाउण दा काम शुरू करवा दिता। बौली दी सेवा लई सिख संगतां ने बहुत उत्साह दिखाया। श्री रामदास जी ने गुरु अमरदास जी दे जवाई हुंदे होए भी अपने सिर उपर मिट्टी दीआं टोकरियां चुक के सिख संगतां नूं गुरु घर विच सेवा करन दे पूरने पा के दसे। जेकर तुहानू साडी इह वीडियो पसंद आई तो इस नूं वध तों वध लाइक शेयर अते सबसक्राइब करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।